ये मधुशाला उनकी है जो नासमझ हैं, जो पागल हैं, जो सरफिरे हैं, जो आज़ाद हैं, जिन्हें ईश्वर को समझने का अहंकार नहीं है। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा कैसे हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ। लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी के जो मायने आज हैं वो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले लोकप्रिय होना और अच्छा होना दोनों एक साथ मुमकिन था। मसलन मुगले आजम एक लोकप्रिय फिल्म थी, लेकिन उसके डायलॉग्स लिटरेचर के सिलेबस में पढ़ाए जा सकते हैं। गुनाहों का देवता एक लोकप्रिय रोमांटिक नॉवल था, लेकिन कहानी कहने का जो सलीका धर्मवीर भारती लेके आए उसमें इतनी गहराई थी कि अपने आप वो नॉवल हिंदी लिटरेचर के क्लासिक्स में शामिल हो गया। मैं बहुत जल्द गुनाहों का देवता पर एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं जिस काव्य की बात करने वाला हूं उसने सचमुच नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दर्शन, फिलॉसफी, वेदांत को पॉपुलराइज करके दिखा दिया। वो बड़े बड़े सूत्र जो सिर्फ विद्वानों की समझ में आते थे, कुछ सीधी सरल लाइनों में ढल के आम आदमी के गले से फूट पड़े। मधुशाला की एक एक रुबाई में उपनिषदों के रहस्य समाये हुए हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे नहीं गुनेंगे, तो मधुशाला में आपको धरती की धड़कन सुनाई देगी और आसमान का विस्तार दिखाई देगा। 139 इतनी रुबाइयां हैं मधुशाला में, लेकिन मैं आपको सिर्फ 40 रुबाइयां पढ़ के सुनाऊंगा। ये वो रुबाइयां हैं जिन्होंने मेरी नींद उड़ाई, मुझे बेचैन किया, और इसी बेचैनी से कुछ जानने का, कुछ समझने का रास्ता खुला। 1933 में हरिवंश राय बच्चन ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में पहली बार मधुशाला मंच से पढ़ी थी। वो दिन और आज का दिन, मधुशाला का नशा पूरी दुनिया के सर चढ़ के बोल रहा है। हिंदी भाषा ने पिछले कई दशकों में कई उतार चढ़ाव देखे, कई आक्रमण झेले। संघर्षों के इस सफर में एक जियाले सिपाही की तरह मधुशाला अपने मोर्चे पर डटी रही। 1935 से लेकर आज तक ये किताब शेल्फ से हटी नहीं। ज्ञानपीठ के ग्रंथालयों से लेकर कॉलेज की लाइब्रेरीज और रेलवे प्लेटफॉर्म्स के बुक स्टॉल्स तक मधुशाला को एक जैसा प्यार मिला, मिल रहा है और मिलता रहेगा। बहुतों के सर चार दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, हाला यानी शराब। बहुतों के सर चार दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, बहुतों के हाथों में दो दिन छलक छलक रीता प्याला, यानी दो दिन में छलक छलक के प्याला खाली हो गया। पर बढ़ती तासीर सुरा की साथ समय के, इससे ही और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला। 85 सालों में 68 एडिशंस आ चुके हैं, और हर नए एडिशन के साथ मधुशाला के पढ़ने वाले भी बढ़ते गए और इसका नशा भी बढ़ता गया। ये रुबाइयां सुनने से पहले एक दो बातें समझ लीजिए और जान लीजिए। पहली बात, बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन जी, शराब नहीं पीते थे। दूसरी और जरूरी बात, यह एक करिश्मा ही है कि किसी कवि ने 139 रुबाइयां लिखी और हर रुबाई एक ही शब्द पर आकर खत्म होती है, वो शब्द है मधुशाला। हाला, प्याला, साकीबाला, मधुशाला, ये चार सिमिलीज, चार रूपक 139 बार, 139 टाइम्स दोहराए गए, और हर बार सुनने वालों के मुंह से वाह और दिल से आह एक साथ निकल पड़ी। कविता के क्राफ्ट की नज़र से देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मिराकल है, बहुत बड़ा चमत्कार है। आपको हर रुबाई में कुछ कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, जैसे मधु, मदिरा, मदिरालय, मधुशाला, हाला, प्याला और साकीबाला। इनके अर्थ आप जानते हैं, लेकिन अगर शब्दकोश वाले अर्थ पर ठहर गए तो ये वैसे ही होगा कि आप बोतल के लेबल पर रुक गए और अंदर की शराब नहीं चखी। यहां बोतल का मतलब है दुनिया और शराब का इश्क, अध्यात्म। तो मैं हरिवंश राय बच्चन की तरफ से जीवन की इस मधुशाला में आपको आमंत्रित करता हूं, आए और जम के पिए।
भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। इस तरह हरिवंश राय बच्चन अपनी इस महान कविता को, रुबाइयों के कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप मधुशाला आगे सुने, इससे पहले बच्चन का डिस्क्लेमर जरूर सुन लें। अगर आप उनकी कसौटी पर खरे उतरते हैं तो ही ये वीडियो आगे देखें, वरना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, जितनी उर की भावुकता हो, आपके सीने में जितने जज्बात हैं, आपके दिल में जितनी भावनाएं हैं, जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है, जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। अगर आप रसिक हैं तो ये मधुशाला आपका स्वागत करती है, वरना रास्ता बदल के कहीं और चले जाएं, तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। इस मधुशाला में दाखिल होने की शर्तें हैं, और पहली शर्त है नशा करने का, पीने का सलीका, पीने की तमीज। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, ये आग नहीं है। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उर का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जैसे हो आए मेरी मधुशाला। जिसे दर्द में चैन मिलता हो इस मधुशाला में आने का हकदार वही है। जिसे जिंदगी ने सताया नहीं, आजमाया नहीं, जिसके पैरों में बिवाइयां नहीं फटी, जिसने जुदाइयां नहीं देखी, वो अंदर आ भी गया तो सूखे होंठ लिए लौट जाएगा। तुम न कर पाओगे अंदाजा तबाही का मेरी, तुमने देखा ही नहीं कोई खंडहर शाम के बाद। और इस मदिरालय में आने का रास्ता क्या है? मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। ये मधुशाला उनकी है जो नासमझ हैं, जो पागल हैं, जो सरफिरे हैं, जो आजाद हैं, जिन्हें ईश्वर को समझने का अहंकार नहीं है। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा कैसे हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ। बच्चन लिखते हैं, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। जो आजाद हो धर्म से मजहब से हर तरह से, वही इस मधुशाला में दाखिल हो सकता है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, ऐसे भी दिन आए जब मंदिर में घंटे नहीं बजे और प्रतिमा पर मालाएं नहीं चढ़ी। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, जिसको अजान देनी थी वो मस्जिद में ताला देकर अपने घर में बैठा रहा। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, राजाओं के खजाने लुट गए, किलों की दीवारें गिर गई। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे ये मधुशाला। मधुशाला के दरवाजे पे कभी ताला नहीं लगा, हमेशा खुली रही। ये वो मधुशाला है जिसके बारे में बच्चन कहते हैं कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। जो पीने वाले हैं उनका जश्न रातों दिन चलता रहता है। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, ठुकरा दिया गया मैं। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख हथेली पर प्याला, कहाँ ठिकाना मिलता जब में भला अभागे काफिर को, शरण स्थल बनकर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला। ये मधुशाला भी ना होती तो मैं ज्यादा कहाँ, मुझे तो मंदिरों मस्जिदों ने ठुकरा दिया।
पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला। मैं मुसाफिर हूं, मेरे लिए शराब हर जगह मौजूद है। पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला। सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का हे मित्रों कष्ट नहीं कुछ भी होता। मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। जहां मधुशाला है मैं वहीं ठहर जाता हूं। सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला। और ये वेदांत है। आप जितनी भी सिमिली सुन रहे हैं मंदिर की, मस्जिद की, प्रतिमा की, इसमें ना धर्म है, ना मजहब है, ना जाति है, ना कौम है, ना संप्रदाय है, ना पूजा पद्धतियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेदांत है कि सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला। सज धज कर पर साकी आता, बंठन कर पीने वाला। शेख कहां तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। शेख जो धर्मगुरु है मस्जिद का, बच्चन उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद की तुलना मेरे शराब खाने से हो ही नहीं सकती। शेख कहां तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागन मधुशाला। बजी नफीरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला। रण का डंका बजा, जंग के नकारे बजे, और नमाजी अल्लाह ताला को ही भूल गया। बजी नफीरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला। गाज गिरी पर ध्यान सुरा में रहा मगन पीने वाला। बिजली गिर पड़ी लेकिन जो शराब के नशे में डूबा हुआ था वो डूबा ही रहा। बजी नफीरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला। गाज गिरी पर ध्यान सुरा में रहा मगन पीने वाला। शेख बुरा ना मानो इसका, मगर तुम्हारी मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला। बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला। कभी हाथ से छिन जाएगा तेरे ये मादक प्याला। पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत आना। मेरा भी गुण यूं ही गाती एक दिवस थी मधुशाला। ये लड़की जो आज तुझ पे कुर्बान है, जो तुझ पे जान लुटा रही है, कभी मुझे भी इतना ही प्यार करती थी। ले मेरे तजुर्बों से सबक ए मेरे रकीब, दो चार साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। मजास चुप हो गए, बड़ी गहरी चुप्पी और बड़ी गहरी सोच में डूब गए। राजा साहब ने पूछा, किस सोच में डूब गए मियाँ, क्या हुआ? मजाज ने बड़े अदब से जवाब दिया, राजा साहब सोच रहा हूं कि अगर शराब पीना छोड़ दिया तो मैं 400 रुपयों का करूंगा क्या। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे मैं तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो तेरे फूल से आरिज की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। जुबानों के जानकार मानते हैं कि अगर मॉडर्न उर्दू पोइट्री में गालिब के बाद कोई एक नाम चुनने की शर्त हो, सिर्फ एक नाम, तो वो नाम फिराक गोरखपुरी का होगा। इतना बड़ा रुतबा है फिराक साहब का, और ये सिर्फ उनके शेरों, उनकी गजलों, उनकी नज्मों की बदौलत नहीं है। उनके फक्कड़पन, उनकी जिंदा दिली, छोटे बड़े को एक मानने वाली उनकी सोच और शख्सियत का नतीजा है जो अपने जीते जी ही लेजेंड बन चुकी थी, जिसकी कहानियां यूनिवर्सिटी कैंपस में दिन रात गूंजती रहती थी।